मेरा नाम सरदार सईद अहमद है और मैं एक वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफर हूँ। वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफी का आगाज़ मैंने 2018 से किया। बचपन से ही मुझे नेचर काफ़ी अट्रैक्ट करती थी और ट्रैवलिंग का काफ़ी शौक रहा है। और जब मैं नेचर में जाता था तो पहाड़ों, दरियाओं और वादियों के अलावा जो ख़ास चीज़ मुझे अट्रैक्ट करती थी वो परिंदों की आवाज़ें थी। फिर यही शौक मुझे वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफी की तरफ ले आया। मैं कराची से बिलोंग करता हूँ और कराची में वाइल्ड लाइफ जो है वो बहुत ही मुश्किल और शाजो नादर ही देखने को मिलती है। इसके लिए हमें थोड़ा सा ट्रैवल करके पोर्ट कासिम या फिर हाले जी की तरफ जाना पड़ता है। वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफी बहुत ज़्यादा चैलेंजिंग होने के साथ साथ एक बहुत ही सब्र आजमा काम है। इसके अंदर आपको पूरा पूरा दिन एक ही जगह पर ये कैमो करके बैठना पड़ता है। ये आपको हेल्प आउट करता है कि आप उनके नेचुरल हैबिटेट में रहते हुए आप उनके करीब से करीब तर आप जाएँ और उनकी बेहतरीन तरीके से फ़ोटोग्राफी कर सकें। क्योंकि वाइल्ड लाइफ फ़ोटोग्राफी में मेन चीज़ जो काउंट होती है वो परिंदे की डिटेलिंग्स होती है। डिटेलिंग से मुराद के जब आप जितना क्लोज उनके जाते हैं तो आपकी पिक्चर उतनी शार्प आती है, जैसे फ़र्ज़ करें कि आप किसी परिंदे की फ़ोटोग्राफी कर रहे हैं। करीब से जब आप तस्वीर लेंगे तो उसकी फ़र्ज़ की प्रॉपर डिटेल्स आएंगी जो कि देखने वाले को बहुत ही अच्छी लगती हैं। वाइल्ड लाइफ फ़ोटोग्राफी में आपकी लक भी जो है बहुत ही मायने रखती है और आपका सब्र, क्योंकि बाज़ औक़ात एक ही पिक्चर लेने के लिए आपको पूरा पूरा दिन जो है वो वेट करना पड़ता है, तब जाकर कहीं आपको एक बेहतरीन किस्म की तस्वीर सामने आपको मिल सकती है। मेरा वाइल्ड लाइफ फ़ोटोग्राफी में आने का एक ख़ास मकसद ये भी था कि मैं अपनी आवाम को, जो कि वाइल्ड लाइफ की अहमियत से बिल्कुल भी नाशना है, इनको बिल्कुल पता ही नहीं है कि वाइल्ड लाइफ किस कदर अहमियत रखती है हमारे कुदरती माहौल के लिए। हमारा जो इको सिस्टम है इसके अंदर हमारी वाइल्ड लाइफ का बहुत ही कलीदी किरदार है। क्लाइमेट चेंज हो रहा है, ये वाइल्ड लाइफ का बेदरक शिकार करने की वजह से हो रहा है। जब हमारी वाइल्ड लाइफ कम होती है तो हमारे जो जंगलात हैं ये भी दिन ब दिन कम होना शुरू हो जाते हैं, जिसकी वजह से वेदर जो है ये चेंज होना शुरू हो जाता है। वाइल्ड लाइफ फ़ोटोग्राफी को करते हुए बाज़ औक़ात आपको बहुत ज़्यादा मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। शौक है, जुनून है, जिसकी वजह से ये सब चीज़ें आपके लिए बेमानी नज़र आती हैं और आप अपने जुनून में आगे से आगे बढ़ते चले जाते हैं। वो लोग जो इस फ़ोटोग्राफी की तरफ आना चाहते हैं तो मैं उनको यही मशवरा दूँगा, अगर आपके पास टाइम है और सब्र है और आपको शौक़ है वाइल्ड लाइफ का तो फिर आप इस फील्ड में आएँ। अगर आपको किसी भी किस्म की हेल्प दरकार हो कैमरा इक्विपमेंट्स के हवाले से, क्योंकि इनके वाइल्ड लाइफ फ़ोटोग्राफी के ख़ास किस्म के लेंसेस यूज़ होते हैं, ख़ास किस्म के कैमराज आते हैं, ख़ास किस्म की ड्रेसिंग होती है, इसके अलावा इसकी कैमरा टेक्निक्स होती हैं, तो मुझे आप कमेंट बॉक्स में बताएं। मुझसे जो कुछ हुआ मैं आपकी हेल्प आउट करूँगा। मुझे जो सबसे ज़्यादा चैलेंजिंग चीज़ लगती है ख़ास करके बर्ड फोटोग्राफी में, जब परिंदा फ्लाइंग कर रहा होता है, क्योंकि आपके पास फ्रिक्शन ऑफ सेकंड का टाइम होता है, आपने उतनी देर में उसे फोकस करना होता है और अपने कैमरा की सेटिंग उस हिसाब से रखनी पड़ती है और आपकी शटर स्पीड काफ़ी हाई होती है, आपको फोकस एकदम से करना पड़ता है और बहुत ज़्यादा चैलेंजिंग होता है। और जब वो आप पिक्चर ले लेते हैं तो आपकी खुशी का कोई ठिकाना नहीं रहता, क्योंकि अगर एक परिंदा एक जगह बैठा हुआ है तो आप आराम से किसी भी जगह छुप कर कैमो कर कर आप उसकी आराम से पिक्चर ले सकते हैं, आराम से कैमरा सेटिंग कर सकते हैं, उसे फोकस में ला सकते हैं। पर जब वो मूवमेंट करता है सडनली आपको पता ही नहीं होता कि एकदम से परिंदा उड़ने वाला है, तो आपको वो हर पल हर लम्हा चौकन्ना रहना पड़ता है। जैसे ही परिंदा हवा में जाता है तो आपको उसी टाइम उसको उसी जगह पे फ्रीज करना पड़ता है, तो उसके लिए आपको कैमरा टेक्निक्स का आना बहुत ज़रूरी है। दो टाइम ऐसे होते हैं कि जब आपकी जो बर्ड्स हैं या कोई भी वाइल्ड लाइफ है वो एक्टिव होती है, एक सुबह और इसके अलावा असर से मगरिब के टाइम पे। ये दो ख़ास टाइम है। सुबह की जो फ्रेश लाइट होती है जिसे आप गोल्डन आवर्स कहते हैं, उस टाइम जो तस्वीर आपकी निकलती है वो बहुत ही प्यारी आती है, उसमें कलर्स वगैरह बहुत निखरे हुए होते हैं। पाकिस्तान के अंदर जो माइग्रेटरी बर्ड्स हैं, जो महाजर परिंदे हैं, उनका जो सीज़न है वो स्टार्ट होता है नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी। ये चार महीने ऐसे होते हैं कि जब साइबेरिया से, रशिया से और दूसरे ममालिक से परिंदे मुख्तलिफ अपने रूट्स के ज़रिए पाकिस्तान लैंड करते हैं और बदकिस्मती से हमारे जो पाकिस्तानी भाई हैं वो इनका बेदरेक जो है शिकार करते हैं, और हमारा महकमा वाइल्ड लाइफ जो है वो इन्हीं दिनों में इन्हें बाकायदा लाइसेंस भी इशू करता है। मेरी ख्वाहिश ये है कि लीगल हंटिंग पर भी मुकम्मल तौर पर पाबंदी लगा देनी चाहिए। बहरहाल ट्रॉफी हंटिंग जो है वो वाइल्ड लाइफ की बका के लिए काफ़ी ज़रूरी है, जिनमें आपके मार्फोर वगैरह है, आईबेक्स वगैरह है, इसके लिए आप ट्रॉफी हंटिंग रख सकते हैं। बहरहाल जो बर्ड्स की हंटिंग है ये मेरी समझ से बाहर है कि ये बिल्कुल भी नहीं करनी चाहिए, क्योंकि ये आपके मेहमान हैं, आपके पास आए हुए हैं, आपको उनके अच्छे तरीके से मेहमान नवाजी करनी चाहिए। आप ये कोशिश करें कि आपकी जो बॉडी है इससे दूसरे लोगों को, दूसरी मखलूक को, अल्लाह ताला की बनाई हुई जो है उससे फ़ायदा पहुँच सके।